माथुर ने ये बात अखबार वालों को बता दी वरना हम तो लेकिन कोई ऐसे कैसे कर सकता है दादी माँ? होते हैं अमू, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं विकृत वैश्य, लेकिन दूसरी तरफ रोहित जैसे भी लोग होते हैं नेक निडर सच्चे। रियली अमू, उस लड़के ने तुम्हारी जो देखभाल की ना, तो फिर मेरे साथ बलात्कार कैसे हुआ? आप जैसे कह रही है वैसे अगर रोहित 2400 घंटे मेरी देखभाल कर रहा था तो जब मेरे साथ ये सब हुआ तब वो कहाँ था, क्या कर रहा था? तू नहीं समझ रही है। नहीं, आप नहीं समझ रही है दादी माँ। कोई मुझे आईसीयू से बाहर ले गया, मेरा रेप किया, मुझे फिर आईसीयू के अंदर ले आया, मैं प्रेग्नेंट हो गई, और आप कह रही है कि आपको कुछ पता नहीं चला, और इसके बाद भी मैं यकीन कर लूं कि रोहित ने मेरी बहुत अच्छी तरह देखभाल की है? क्या खास देखभाल किया उसने? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई बर्बाद नहीं हुई तुम्हारी जिंदगी अमृता, हम सब तुम्हारे पास हैं अमृता, तुम्हारे साथ हैं। और किसी विकृत रेपिस्ट का बच्चा भी मेरे पास है, मेरे साथ मेरे शरीर के अंदर सांस ले रहा है। मिस्टर रोहित बख्शी, तुम्हारी मंगेतर किसी गैर मर्द का पाप लिए घूम रही है। दो दिन से एक ही बात बोले जा रही हो, किसी घिसी पिटी फिल्म के थर्ड रेट डायलॉग की तरह, पाप पल रहा है, पाप पल रहा है। हाँ, क्योंकि किसी घिसी पिटी थर्ड रेट फिल्म से भी बदतर हालत है मेरी। इस बच्चे का बाप कौन है ये भी मुझे नहीं पता है, पेशा से भी बुरी हालत है। प्लीज सच कह रही हो दादी माँ, वो बेशिया कम से कम अंदाजा तो लगा सकती है कि उसके नाजायज बच्चे का बाप कौन है। तो करवा लो ना अबॉर्शन। दादी माँ ने कहा ना तुमसे, अब भी वक्त है तुम्हारे पास, तो गिरा दो बच्चा, कम से कम ये प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी। गेट आउट रोहित। हमो जस्ट गेट आउट। अरे आप अभी तक घर नहीं गए, घर जाकर आराम कीजिए, खामखा बुखार बढ़ जाएगा आपका। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये बताओ अम्मू का मूड कैसा है? वैसा ही है, उखड़ा उखड़ा सा, रोहित के साथ झगड़ा हुआ उसका। फिर माना, देखो सुभद्रा, ये अम्मू रोहित के साथ ठीक तरह से पेश नहीं आ रही, वेरी बैड। वो बेचारा सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, उसकी तकलीफों को घटाने के बजाय वो बढ़ाए जा रही है। अम्मू को शांत होने दीजिए, मैं उसे समझाऊंगी, आप अभी घर जाइए। नहीं, मैं अम्मू से मिलना चाहता हूँ। मेरी बात मानिए ना, आप घर जाइए। मैं अम्मू को मिलकर एक बार समझाना चाहता हूँ सुभद्रा। वो सिस्टर रूथ उसे नहलाने ले गई है। अच्छा तो मैं यहीं बैठता हूँ, तुम उसे कह दे नहा ले तो मुझे बता दे, एक बार दिल से अम्मू को समझा दूं। फिर क्या समझाना चाहते हैं आप अमृता को चाचा जी? तू यहाँ क्या कर रही है, दफा हो यहाँ से। अरे चाचा जी, अमृता को होश आ गया है, वो चलने फिरने लग गई है, तो इस बात की खुशी जाहिर करने के लिए उसकी ये बहन उससे मिलने नहीं आ सकती क्या? नहीं आ सकती, क्योंकि ना तो तू उसकी बहन है, ना तुझे किसी का अच्छा होता हुआ देख के कोई खुशी होती है। चाचा जी, खाम खा आप मेरे बारे में ऐसा बुरा बुरा क्यों बोल रहे हैं? आखिर मैंने किया है क्या है? कुछ करने का मौका दिया हो तब ना मेरी मन तराग। लो, कर भला तो होगा बुरा। अरे चाचा जी, उल्टा मैंने तो हर जगह अमृता की तरफदारी ही की है, अच्छा ही कहा है उसका, वरना मेरी ननद की देवरानी तो कह रही थी कि बच्चा रोहित का ही होगा, इसलिए गिराया नहीं। कंचन, मैंने क्या कहा, तू दफा हो यहाँ से। अरे चाचा जी सुनो तो, लोग, चाचा जी सुनिए तो, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रोहित अमृता से शादी हरगिज नहीं करेगा, लेकिन मैंने कह दिया कि रोहित तो अमृता के साथ फिर से बलात्कार हो जाए फिर भी शादी। कंचन, तू यहाँ से जाती है या सिक्योरिटी वाले को बुलवाऊं मैं?
जाती हूँ चाचा जी। सिर्फ इतना बता दो कि ये रोहित और अमृता वाली बात कितनी सच है, ताकि मैं लोगों के मुंह बंद कर सकूं। तू अपना मुंह बंद रख, बाकी का सब ठीक हो जाएगा। और एक बात सुन ले, रोहित और अमू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और बहुत जल्दी महीनों के अंदर एक दूसरे की शादी होने वाली। तू खुश है ना? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरी ननद की देवरानी को विश्वास नहीं, मुझे है। लेकिन रोहित अमृता से सचमुच शादी करेगा? रोहित, ये तुमने ठीक नहीं किया। थैंक यू, एक तुम ही रह गई थी बस मेरी गलतियां पॉइंट आउट करने के लिए। रोहित, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ तुम्हें। अमृता के साथ जो हादसा हुआ उसे तुम अच्छी तरह से वाकिफ थे, हर चीज को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर चुके थे तुम। मगर अमृता, उसके ऊपर ये मुसीबत का पहाड़ अभी कुछ दिन पहले गिरा है, उसे वक्त लगेगा सबको समझने में, और डेविड तुमसे ज्यादा वक्त लगेगा, उसके साथ सब कुछ हुआ है, शी इज द विक्टिम। तो मैं क्या करूं श्वेता? सब्र करो, अमृता की हालत को समझो, उसका सहारा बनो रोहित। सहारा बनो? क्या खाक सहारा बनूं? बात बात पर झगड़ती है मुझसे, बात बात पर इल्जाम लगाती है कि मैंने उसकी देखभाल नहीं की, लापरवाही बरती मैंने। रोहित, अमृता बहुत चाहती है तुम्हें, उसका हक है तुम पर, और वो अपना यही हक जता रही है। तुम्हें कसूरवार ठहराकर वो ये जता रही है कि वो तुम पर डिपेंड करती है। और रोहित, वो बेचारी अगर अपना गुस्सा तुम पर नहीं उतारेगी तो और किस पर उतारेगी जाकर? और मैं, गुस्सा मुझे भी आता है, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं मैं भी, घुटन हो रही है मुझे श्वेता, लेकिन मैं अपनी परेशानी, अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पर निकालूं? अपने मन का बोझ किस पर मैं हल्का करूं? मुझ पर। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं क्या? एंड फ्रैंकली रोहित, इस वक्त भी तो तुम वही कर रहे हो, एंड आई लाइक इट। चलो, अपनी परेशानियां मेरे साथ शेयर करके तुमने एक बात तो साबित कर दी कि तुम मुझे अपनी अच्छी दोस्त समझते हो। एंड नाउ कम ऑन फ्रेंड, अब तुमने अपनी सारी घुटन, अपना सारा गुस्सा कम कर लिया ना, तो क्यों ऊपर 12 बजा रखे हैं? श्वेता, कहीं अमृता मुझे इसलिए कसूरवार तो नहीं ठहरा रही क्योंकि मैंने अबॉर्शन रुकवा दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमृता बच्चा चाहती नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने उसके इरादों के बल पर वो अबॉर्शन रुकवा दिया था, वो जबरदस्ती बच्चा पैदा करना चाहती है, और ये सब एब्सोल्युटली रबिश। ऐसी बातों में भी कोई ईगो रखता है क्या? श्वेता, मैंने अबॉर्शन ना हो इसलिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि सो व्हाट रोहित, ये कोई सब्जी तरकारी का मामला थोड़ा ही है कि तुम बार्गेन करके कोई सब्जी खरीद लाए हो और अब अमृता चाहकर भी सब्जी को वापस नहीं कर रही है। ये 3 जिंदगियों का सवाल है, तुम्हारी, अमृता की और उस बच्चे की। और अगर अमृता को ऐसा लगता है कि अपनी फिलॉसफी के खिलाफ कि ये बच्चा उसके लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है, तो उसे पूरा हक पहुंचता है कि वो इस बच्चे को पैदा ना करे। रोहित, मैं चाहती हूँ कि तुम यही बात जाकर अमृता को समझाओ। You're right. इतनी छोटी सी बात थी और मैं और तुम उलझ गए। पता है, दुनिया में ये दोस्ती नाम का रिश्ता बना ही उलझन की वजह से है। And that's what friends are for, Rohit. अब जाओ और अमृता से इस बारे में बात करो, सब्र से और शांति से। You know, you've got to be really patient when you deal with a patient. Thank you very much. डॉक्टर, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्डिंग को धक्का मार रही हूँ। वो तो लगेगा ना अमृता, तुम्हारे बॉडी मसल्स बहुत दिन तक आराम करते रहे और इसके लिए उनकी काम करने की आदत चली गई है। डॉक्टर, ये आदत है ना, बहुत बुरी चीज है। दैट डिपेंड्स अपॉन कैसी है वो आदत। नहीं, आदत शब्द अपने आप में बहुत नेगेटिव है, उससे मजबूरी की फीलिंग आती है। तुम शायद व्यसन की बात कर रही हो। व्यसन में है एक मजबूरी की फील, मगर आदत, इट कुड बी डैंग गुड टू। हाय। जैसे कि तुम्हारे हैंडसम बॉयफ्रेंड की आदत, तुम्हें पैम्पर करने की, सुख दुख में तुम्हारा साथ देने की आदत। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। रोहित, प्लीज हेल्प। आराम से। यस, ओके अमृता, सी यू देन। और हाँ, लात मारकर घिरा ना देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाय हाय। फूल क्यों लाए हो? वो तुम्हारे कमरे में बदबू आ रही थी ना,
टेंशन की है, सोचा फूल दूर कर देंगे इसे। आज ऑफिस नहीं जाना? अरे ऑफिस तो रोज जाता हूँ, एक दिन नहीं गया तो कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा। यहाँ भी तो रोज आते हो, एक दिन नहीं आओगे तो उस पर भी कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा। अमृता मैं यहाँ तुम्हारी खातिर नहीं आता, अपनी खातिर आता हूँ। पता है क्यों? वो तुम्हारी फिजियोथेरेपिस्ट कह रही थी ना, मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है। तुम्हें मेरे साथ झगड़ा करने की आदत पड़ गई है? अरे आज ही कसम खा के आया हूँ ये आदत छोड़ने की। सचमुच कसम खाई तुमने? भगवान के सामने खड़े होके फिर से कहूँ? हाँ खाओ, और इस बार कंडीशनल कसम खाना। भगवान से कहना कि महीने में एक दो बार मुझसे झगड़ा करोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। I'm sorry. I'm really sorry. It's okay. अमृता, मैंने कल रात भर सोचा, बहुत सोचा। तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो इस बात का एहसास हुआ मुझे। तुम ठीक कह रही थी, हम सब ने लापरवाही बरती। हम सब जिम्मेदार हैं तुम्हारे साथ हुई ज्यादती के लिए। लेकिन जहां तक अबॉर्शन का सवाल है, वो मैंने इसलिए नहीं होने दिया। I know, मैं अबॉर्शन के खिलाफ हूँ। लेकिन वक्त के साथ साथ ख्यालात भी बदल जाते हैं, इट्स क्वाइट नेचुरल। इसलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तुम्हें पूरा हक है अमृता। रोहित, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरों के बारे में बात करना या अपनी राय देना बहुत आसान बात है। You can damn well be objective. लेकिन वही प्रॉब्लम जब खुद पर आती है तो। अमृता, मैं शायद तुम्हारी कुछ मुश्किलें हल कर सकता हूँ। देखो, मुझे उस बच्चे को अपना नाम देने में, उसे अपना मानकर उसकी परवरिश करने में कोई एतराज नहीं है। आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, पर मुझे अपने आप पर विश्वास है। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया कि हम इंग्लैंड माइग्रेट कर जाएंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया। माधवी दीदी हमारी पूरी तरह मदद करेंगे और वहाँ जाकर हम एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उस बच्चे के आ जाने से तुम्हारी और मेरी, हम सब की प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, तो तुम बिना हिचकिचाहट मुझे बता दो, सोच के बताओ। विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अमृता, ये फैसला तो तुम्हें ही करना है। सिर्फ इतना याद रखना, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने कितनी बार कहा कि रात को डाई मत किया करो, एक तो ठीक से होती नहीं है, ऊपर से तकिए पे स्टेन्स पड़ते हैं वो अलग से। अरे सुनी, सुबह 9 बजे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 8 बजे निकलना पड़ेगा, फिर सुबह ये काम हो नहीं सकेगा। अच्छा अमित, तुम्हारी उम्र क्या हुई? तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। अब तुम तय करो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, उस हिसाब से मेरी उम्र फिक्स हो जाएगी। मेरी 34 years। क्या बात है। जिंदगी में पहली औरत देखी जिसने सही सही उम्र बताई, छिपाई नहीं। उम्र तो उन औरतों को छिपानी पड़ती है जिन्हें ये डर होता है कि लोग उन्हें बुढ़िया मानने लगेंगे। उन्हें देखकर नहीं, उनकी फैमिली को देखकर। बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने बड़े हैं। मेरे केस में तो ये मुमकिन ही नहीं है ना। देखो सुनिए, अब ये सब बातें तुम, मैं शिकायत नहीं कर रही हूं अमित, सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूं। मतलब अब तो बच्चा गोद लेने के लिए भी बहुत ज्यादा हो गई है ना हमारी उम्र। सुनी, तुम तो आज तक एडॉप्शन के खिलाफ थी,
देखो अगर तुमने अपना ख्याल बदल दिया है तो अब भी देर नहीं हुई, हम आज भी बच्चा गोद ले सकते हैं। हाँ, और हम रोहित को भी घर ला सकते हैं अमृता के साथ। क्या मतलब? मतलब मुझे एक ख्याल आया है कि अगर हम ऑफिशियली अमृता के बच्चे को गोद ले ले तो। शट अप, शट अप प्लीज। क्यों अमित, क्या हुआ? ये बकवास ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो सुनी। अरे इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, बच्चा भी संभल जाएगा और रोहित और अमृता का प्रॉब्लम भी। हरगिज नहीं, मैं इस बच्चे को कभी गोद नहीं लूंगा। ये बच्चा नो, नेवर। अमित, ये कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो? पागलों जैसी बातें तुम कर रही हो सुनी। किसी नाजायज बच्चे को मैं अपना नाम क्यों दूं? अनाथ आश्रम से गोद लिया हुआ बच्चा क्या आसमान से गिरा हुआ होगा? एटलीस्ट उसके बारे में हमें कुछ पता तो नहीं होगा। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम ये है कि पता चल जाए तो गोबर गोबर है और पता न चले तो। जो हमें पता नहीं वो तकलीफ तो नहीं देगा? पता नहीं ये किस विकृत आदमी का खून होगा। मतलब इस बच्चे का दोष यही है कि वो। उस बच्चे का दोष सिर्फ इतना है कि वो पैदा हुआ, उसका जन्म ही उसका सबसे बड़ा कसूर होगा सुनी। मार्क माय वर्ड्स, वो अपनी माँ को अपने जन्म के लिए कभी माफ नहीं करेगा। नहीं अमित, परवरिश से भी लोगों की तकदीरें बदल सकती है। लेकिन मैं ऐसा कोई चांस लेना नहीं चाहता। अमृता के बच्चे को गोद लेने का ख्याल अभी इसी वक्त तुम अपने दिमाग से निकाल दो। And the matter ends there. No, it doesn't. The matter starts now. मंजन बेचने के लिए। लेकिन तू तो डबल सचिन निकली, आउट होते होते बच गई, सेंचुरी बनाएगी कि नहीं बोल। अच्छा बताओ अनमोल कैसा है? अनमोल, उसने तो क्लास में 10 नंबर निकाला है। हा? पता है उसने तो गुजराती छोकरी भी पता नहीं है। हाँ, फाल्गुनी नाम है उसका, आजकल बहुत करता है केम छोर, सारू छोर, ढोकला खाए छोर, सीटी बजाते बजाते घर भी आता है। और बताओ तुम कैसी हो? क्या बात कर रही है, मेरा क्या, मीडियम कुछ, ना दुखी हूँ ना सुखी हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि होती ना तो भी अपन को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतनी सारी फिलॉसफी किस लिए? तेरे को सच्ची बोलूं? अरे क्यों ना बोले, तेरी फायदे की बातें अपन तेरे को जरूर बोलेगा। देख अमृता, अपन की ना वाट लगी पड़ी है। अरे अनमोल बड़ा हो रहा है, उसकी शादी भी होगी, और किसकी शादी हो जाएगी ना तो अपुन तो उसको अलग कर देगा। सोच ना, अच्छे घर की लड़की अपुन जैसे रेशा की बहू बनना पसंद करेगी क्या? करेगी। और फिर अपुन का क्या, अपुन किसके सहारे जिएगा? सहारा मतलब पैसा नहीं रे, एक आदमी एक मर्द चाहिए ना, और कुछ नहीं तो दवा खिलाने के लिए कोई तो चाहिए कि नहीं? और अपुन के पास तो कोई नहीं है। लेकिन तेरे पास है अमृता, तेरा रोहित, और उसको पकड़ के रखना। वो तो मेरे ही पास है ना। हाँ हाँ, मालूम है कि तेरा रोहित तेरे साथ है, लेकिन ये बच्चा तुम दोनों के बीच में गड़बड़ पैदा करेगा। तू देख अमृता, अपुन का बात अलग था ना, अपुन का ना आगे कोई था ना पीछे, गिराक के सिवा, समझ रही है ना? लेकिन तेरे सामने तेरा पूरा जिंदगी पड़ा है, तेरा सास ससुर, तेरा रोहित। तू बस, मैं तेरे को फाइनल बोल रही हूँ, तू इस बच्चे को बाय बाय कर, भगवान को बोल अपुन को माफ कर दे, अपुन को भूल जा, और एक अच्छा मस्का वाला जिंदगी गुजार। तुम दोनों के लिए यही अच्छा है। हाँ किशमिश, मगर अगर मगर की माँ का मंदिर। देख अमृता, मंदिर में जाके दिया जलाना, पूजा करना, ये सब छोड़, अपुन की वाट लगी पड़ी ना, इसलिए अपुन तेरे को बोल रहा है।
जब तक तेरा छावा तेरे साथ है ना, तब तक वावा है। जिस दिन तेरे हाथ से निकल गया ना, उस दिन राम तेरी गंगा मैली नए एंडिंग के साथ। कुछ समझी कि नहीं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.